कि आप सोच रहे होंगे कि हम किस जगह पे हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे है चारों तरफ आप देख रहे हैं सुनसान एरिया है, तो ये फिलहाल रांची। क्या हाल है अबू भाई? तो दोस्तों ट्रेन के इंतजार में फिलहाल बैठे हुए हैं तकरीबन 15 मिनट से, तो लगभग 1.5 घंटा ट्रेन लेट है क्योंकि इसका 7:30 बजे यहाँ पर बरकाखाना जंक्शन में टाइमिंग था। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है और अभी हम निकल रहे हैं, रात हो रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम किस जगह पे हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी आप जो टाइम देख रहे हैं 3:26 हो रहा है, यानी कि भोर होने का समय हो चुका है। और ये रांची रोड है और रांची रोड के नजदीक में यहाँ पे है देवी मंडप मंदिर है माता जी का, और हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए। हम निकल रहे हैं यहाँ से बरकाखाना, बरकाखाना से निकलूंगा सीधा हजारीबाग एरिया में। तो इस ब्लॉग में बने रहे, चारों तरफ आप देख रहे हैं सुनसान एरिया है, तो ये फिलहाल रांची रोड है डाल्टनगंज। तो अभी हम सबसे पहले निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, 4:30 बजे तक का ट्रेन है, मैं 20 मिनट पहले निकल चुका हूँ। चारों तरफ ब्लैक 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 पूरा दिख रहा है, अभी ट्रक आ रही है जा रही है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में जिस मकसद से दोस्तों हम जा रहे हैं वो समझ लीजिए कि सीसीएल का मैंने पिछले टाइम अप्रेंटिस दिया था 1 ईयर का, अब उसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बिहाफ पे हमें एक क्या बोलते हैं स्कोर जनरेट होगा, उसके आधार पे फाइनली मुझे जो भी कहो सीसीएल की तरफ से एक सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। इस बात से ये साबित होगा कि आप 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप किए हुए थे और आपको इतना स्कोर मिलता है। ये चीजें मुझे 10 दिन पता पहले चलता है। पिछले टाइम हमने 2022 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था और 2023 नवंबर को मैंने फाइनली एंड कर दिया था। और फिलहाल अभी हम रांची रोड में हैं और आप देख पाएंगे यहाँ पे ये हीरो का आनंद मोटर शोरूम और ये देवी मंडप। तो फिलहाल अभी हम रांची रोड में हैं, हम एक्चुअल में निकल रहे हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए, और वह यहाँ से सीधा बरकाखाना, बरकाखाना से रामगढ़ और रामगढ़ से सीधा हजारीबाग चढ़ी जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर एग्जाम है। तो आज 12 तारीख है यानी 12 अप्रैल 2024 को ये ब्लॉग रिकॉर्ड करी जा रही है, तो वही सुनसान इलाका है पूरा, देख पा रहे होंगे ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत ट्रक का आना जाना हो चुका है, टाइमिंग में भी 4:10 या 20 मिनट पे लामू एक्सप्रेस आ रही है, तो उसी से निकलूंगा। तो इस ब्लॉग में दोस्तों बने रहे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और ये है नज़दीक में यानी 50 मीटर के रेंज में, और हमने शॉर्टकट लिया था रांची रोड से गली बाई गली करके, यूं 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 करके मैंने पहुंच गया यहाँ पे। अभी भी ट्रेन का टाइमिंग लेट है, अभी गढ़वा जंक्शन पहुँची है और मैं समय से पहले पहुँच गया, अच्छी बात है समय से पहले पहुँचना चाहिए। तो अभी हम रेलवे के कैंपस में हैं ठीक है, और ये कुछ है नज़ारा। अभी का जो टाइम हो रहा है 3:38, अनारक्षित टिकट घर। तो फिलहाल हमने ऑनलाइन UTS के जरिए से टिकट ऑर्डर कर लिया है और बस ट्रेन का इंतज़ार करूँगा, और ट्रेन आते ही मिलते हैं इस ब्लॉग में, बने रहे। ये दूसरी टाइम ऐसा होगा जो मैं इस तरह से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये मोटो ब्लॉगिंग तो होगी नहीं, तो ये नॉर्मल सा ब्लॉग होगा डेली लाइफ का। तो यहाँ से ट्रेन आती है, वेट करता हूँ, ट्रेन आते ही ब्लॉग को शुरू करता हूँ, ब्लॉग में बने रहे। तो ये 4th प्लेटफॉर्म था, हमें 3rd प्लेटफॉर्म का इंतज़ार करना है, उसी प्लेटफॉर्म पे जाके इंतज़ार करूँगा, बस ब्लॉग में बने रहे। तो यहाँ का कुछ इस तरह से नज़ारा और यहाँ से कुछ इस तरह से। तो भाई ये है डाल्टनगंज का रेलवे स्टेशन और भोर का आप देख लीजिए किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है, कोई भी भीड़ नहीं है, बस ब्लॉग में बने रहिए। और ये बाहर का नज़ारा यानी कि टिकट घर के बाहर का सीन है, 1st प्लेटफॉर्म की तरफ ये है टिकट काउंटर, टिकट घर, और वहाँ से आने जाने का रास्ता, ये इन से आउट यानी कि फोर्थ प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। ये है कुछ बाहर का नज़ारा। तो फाइनली हमने टिकट तो ले लिया है, टिकट लेने का कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रेन आ चुकी है गढ़वा रोड,
और गढ़वा रोड से आने में लगभग आधा घंटे का समय तो लगेगा ही। तब तक मैं मिजाज को ठीक करता हूँ और थोड़ा चाय वगैरह पीता हूँ। हालांकि पीने का शौक तो है नहीं मुझे, बट फिर भी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से चाय पीता हूँ और उसके बाद थर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलता हूँ। ब्लॉग में दोस्तों बने रहें। क्या हाल है हप्पू भाई? कैमरा गोप्रो। तो ये है थर्ड नंबर प्लेटफॉर्म और अभी भी ट्रेन गढ़वा में रुकी हुई है। पता नहीं क्या लगा हुआ है भाई, पता नहीं सिग्नल मिला है नहीं मिला है। गाड़ी काफ़ी देर से वहीं पर खड़ी है। तो स्टेशन पे भी बहुत कम लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है भोर का नज़ारा डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का, और वैसे भी मेरे लिए पहली बार ही है। तो ये नॉर्मल ब्लॉग शूट कर रहा था, मैं सोचा क्यों ना आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं। बस ट्रेन आने के इंतज़ार में वेट कर रहा हूँ, कब आ जाए और कब पहुँच जाए बरका खाना, और वहाँ से सीधा हजारीबाग। तो वहाँ 3 घंटे का पेपर है, वहाँ से एग्ज़ाम दे के फिर निकल लूँगा आज की डेट में ही। अभी तक मेरे को ये नहीं पता है कि रिटर्निंग कैसे आना है। दोपहर में मेरे को लगता है टाइमिंग नहीं होगा किसी भी ट्रेन का, जो होगा शाम को ही होगा। तो जो भी कैप्चर करूँगा इस ब्लॉग में देखते रहिए। ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये भी ये मालगाड़ी अभी यहाँ से खुली है, तो हो सकता है इसके बाद सिग्नल मिलेगा। तो दोस्तों ट्रेन के इंतज़ार में फ़िलहाल बैठे हुए हैं तकरीबन 15 मिनट से, और आसपास देख सकते हैं कोई भी नहीं है। और अकेले बैठ के बोर हो रहा हूँ, थोड़ा बहुत रील्स देखा उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और काफ़ी सारे भाई मच्छर भी हैं और साइड से आवाज़ भी आ रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर पक्षी के साउंड आपको सुनाई दे रहे होंगे। ठीक है, उधर साइड से जो भी है वो तो प्राकृतिक का देन है, ये सब सुनने को मिलता कहाँ है। बस अकेला बोर हो रहा था, सोचा मैं आपसे बात कर लूँ, क्या ही करूँ समझ में नहीं आ रहा है। गर्मी भी अभी लग रही थी भाई, क्योंकि पैदल चल के आया ना, अब जाकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी जो टाइम हो रहा है 4:10 और अभी तक ट्रेन हमारी नहीं आई है। पता नहीं जिस दिन मैं जाता हूँ उसी दिन ऐसा होता है ये सीन। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे भाई गढ़वा जंक्शन में होल्ड है। यार क्या ही करूँ, लगभग आधा घंटा ट्रेन लेट है, जो कि 4:10 पर यहाँ पर ट्रेन का टाइमिंग था डाल्टनगंज में। अब तक आ जाना चाहिए था लेकिन अब तक आया नहीं है। अभी जो ट्रेन आ रही है टाटा नगर आ रही है, जो कि रेणुकूट नगर उटारी गढ़वा रेहला होते पता नहीं वो कहाँ जाएगी, उसी की वजह से आज ट्रेन लेट है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले टाटा आ रही है, टाटा जाने के बाद ही पलामू आएगी, और इंतज़ार करते हैं, ब्लॉग में बने रहें। तो भाई भोर में उठने का एक और फ़ायदा है यहाँ पे भाई, ठंडा ठंडा हवा, पर एक जगह बैठोगे तो भाई काफ़ी सारा मच्छर है उठा के ले जाएगा। तो इस सबसे बचने से अच्छा है थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक कर लो, वो सही है। बाकी ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए रेलवे स्टेशन को अच्छा जगह मानते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लो बगल में वहाँ पे जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली आ चुका है ट्रेन, we'll be right back.
गाइस अभी हो रहा है 8:35 और पहुंचने को है। फाइनली बरका खाना जंक्शन पहुंच चुके हैं फर्स्ट स्टॉप पे। तो लगभग 1.5 घंटा ट्रेन लेट है क्योंकि इसका 7:30 बजे यहाँ पर बरका खाना जंक्शन में टाइमिंग था और ये लेट हो चुका है। पता नहीं क्या होगा सीन, वहाँ पर जाते जाते मुझे 1.5 घंटा और लगेगा। तो फिलहाल बरका खाना रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ और यहाँ से हम लेते हैं ऑटो, रामगढ़ जाऊँगा, रामगढ़ से बस पकड़ के सीधा चरी जहाँ पहले अप्रेंटिस किया करता था 1 ईयर के लिए मैंने किया, तो वहीं पे मैं जाऊंगा दोबारा एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के लिए। ये है कुछ एरिया, कुछ इलाका, मैं काफ़ी आगे था इंजन से, 2 बोगी के बाद 3रे बोगी में। तो यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं ब्लॉग में, दोस्तों बने रहें। तो ये है कुछ यहाँ बरका खाना जंक्शन का नज़ारा, काफ़ी लंबे चौड़े में है, इतना भी नहीं फिर भी। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेते हैं ऑटो और यहाँ से रामगढ़ 6-7 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से मुझे बस लेना होगा, वहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो ब्लॉग को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामगढ़, रामगढ़ का मेन मार्केट है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा बस स्टैंड। अब हमें इसी मोड़ पे यहाँ पर वेट करना होगा, अब देखते हैं यहाँ पर ऑटो मिलेगी या फिर बस, और उसी से यहाँ पर 30-40 किलोमीटर दूर पड़ेगा। देखिए ऑटो लोग तो लगी है, आगे बस भी है। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं चरही, जो कि रामगढ़ से 30 किलोमीटर आगे और हजारीबाग से 20 किलोमीटर पीछे, और ये है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड GM ऑफिस, और यहीं पे मेरा सेंटर जाएगा। 1 ईयर अप्रेंटिस मैंने यहीं किया था, तब उसी का एग्जामिनेशन भी होगा। तो बस इंटर करते हैं कैंपस में और यहाँ से एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद मिलते हैं इस ब्लॉग में। काफ़ी महीने के बाद आ रहा हूँ क्योंकि नवंबर 2023 को यहाँ पर सेशन मेरा ख़त्म हुआ था, फिर उसके बाद अनाउंस किया गया आज से 15 दिन पहले कि ये आपका एग्ज़ाम होगा जो आपने अप्रेंटिस किया है, भाई आपने क्या सीखा है उसके भी यहाँ पे। तो काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यह है पूरा कैंपस एरिया, जो कि हजारीबाग क्षेत्र चरही में आपका स्वागत है। हजारीबाग क्षेत्र में ये GM ऑफिस है यहाँ पे, कि कई बार मैंने ब्लॉग में चीज़ें बताया है, रिवील किया है। तो चलते हैं कैंपस में, मे बी अलाउ नहीं रहेगा कैमरा, इसलिए यहाँ से आप कैमरा को ऑफ करते हैं।